Hello? Hi. Who's this? Vivek Chauhan. Vivek Chauhan? कौन विवेक चौहान? लो, अब लोग हमें पहचानने से बेइनकार करने लगे, जबकि रूलिंग पार्टी वाले कहते हैं मैं काफी बदनाम हूँ, आए दिन लोगों को डराता धमकाता रहता हूँ। ओके, विवेक, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब तुम ये भी पूछोगी कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया? क्यों किया? यही जानने के लिए कि अगर तुम्हें लंच पे इनवाइट करना हो तो कौन सी लाइन इस्तेमाल की जाए? समथिंग सिंपल एंड स्ट्रेट, नॉट पॉलिटिकल। ओके, नो पॉलिटिक्स, नो राजनीति। कल दोपहर 1 बजे लेगेसी ऑफ चाइना। ओके, बाय बाय। यू सीम टू बी सच अ डिफरेंट पर्सन। तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उससे बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे जैसा आदमी पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है? क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। Oh, I see. It was a natural step. जैसे बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, जैसे एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, तो जाहिर सी बात थी महेंद्र चौहान जैसे बड़े पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन ही बनता। राइट। Isn't that obvious? Well, weekends पर दोस्तों के साथ पब में जाने के अलावा आप और करती क्या है? एक पब्लिक रिलेशंस फर्म में क्लाइंट सुपरवाइजर हूँ। पब्लिक रिलेशंस? इंटरेस्टिंग। कभी किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पीआर यानी पब्लिसिटी के बारे में नहीं सोचा? पॉलिटिशियंस को पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? अपनी हरकतों और क्या कहते हैं उसे, आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन की वजह से अक्सर मीडिया में उनके चर्चे होते ही रहते हैं, मुफ्त में पब्लिसिटी मिलती ही रहती है। सरत, अकेला लड़का हूं इसलिए माँ ने बहुत लाड़ प्यार से बढ़ा किया, एक तरह से उसने मुझे बिगाड़ा। बाबा शुरू से बहुत सख्त है, यू नो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन मैं जानता हूं दिल ही दिल में वो मुझसे बहुत प्यार करता है। दैट्स मी। व्हाट अबाउट यू? अ ब्रोकन होम, तलाकशुदा पेरेंट्स, मेरी लाइफ तो बस मेरे फ्रेंड्स और मेरा काम। हम दोनों बहुत ही अलग अलग दुनिया के हैं विवेक। तुम गलत कहती हो अनु, अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें जता डालते हैं कि हम औरों से अलग हैं। इंसान तो अपने अतीत का मारा होता है। Does it matter? Doesn't matter. Will you marry me? देविका जी, आपके पति क्या करते हैं? बाबा सारी बातें तो मैं 10 साल की थी जब मम्मी और पापा का तलाक हो गया। तो फिर कन्यादान कौन करेगा? मेरी माँ करेगी। लतेश भाई, विवेक की शादी का क्या अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट है ना, मजा आ गया ना। क्या है ना, पॉलिटिशियन लोगों को कुछ करने का ही अपना काम है। पॉलिटिशियन कुछ तो अपने कुछ इलेक्शन से ना पास में आ भी जाए, क्या इसके अंदर 2 चार्टेंडर पास हो जा रहे। सुना है फिल्म भी फाइनेंस कर रहे हो? सोच रहा हूँ, क्या है ना 2-4 स्टोरी सुन के रखा है। ग्लैमर के साथ क्या अपना अटैचमेंट है, लतेश जबरदस्त आ जाए। बाद में बात करता हूँ। विवेक भाई की शादी तो हो गई,
आपको मालूम है इस सरकार में हमारे 17 आदमी मारे गए। चिंता मत करो मुन्ना ठाकुर, हमारी सरकार आने दो, उसके बाद उनके दुगने मरवाएंगे। हाँ, उसी दिन मैं गंगा जी में जाकर डुबकी लगाऊंगा। अन्ना साहब, ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो बेटे की शादी के चक्कर में पिछले 10 दिनों से पार्टी ऑफिस ही नहीं गया, अब कल से सिर्फ इलेक्शन का काम देखना। सुना है कि वो बेग साहब भी आने वाले? हाँ आएंगे, क्यों नहीं, यही तो कुछ मौके होते हैं जब हम पॉलिटिशियन लोग आपस में मिलते हैं, वरना तो आप जानते हैं। लीजिए वो। हाँ लीजिए, विवेक आ गया। बिल्कुल ठीक है। खुश रहो बेटी, खुश रहो। बाबा लीजिए, बेग साहब भी आ गए। ये आइए, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो। हेलो। थैंक यू बेग साहब, थैंक यू बेग साहब। मेरी बहू अनुराधा बेग साहब खूबसूरत है जोड़ी। ये आपके लिए। मुबारक हो। चेला गुरु से आगे निकल गया यशवंत जी, तुम भी शादी कर लो। अब तो शादी करनी पड़ेगी। हनीमून के लिए कब जा रहे हो? कल सुबह की पहली फ्लाइट से। नो टाइम वेस्टेज। बस एक हफ्ते की अच्छी खासी छुट्टी हो जाएगी और फिर बाद में हमारी पार्टी को इलेक्शन की तैयारी भी करनी है। क्यों बेग साहब? सो शैल वी हैव अ टोस्ट फॉर दिस लवली कपल। हाँ विशु बोल, यादव के आदमी ज़रा तकलीफ तो नहीं दे रहा? और हाँ, वो सावन से बात हुई? एक मिनट। हाँ विशु, हाँ वो सावन से बात हुई? हाँ, मुंबई पहुँचना है, उससे मीटिंग फिक्स कर देना। हाँ बड़वे को बोलना कम से कम 5 पेटी चाहिए इस बार। मेरे को मूवी लिखी है।